आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टोयोटा की इनोवा हाईक्रॉस को XUV700 के साथ, और वीडियो के लास्ट में ये देखेंगे कि अगर आपका भी बजट 26 टू 28 लाख तक का है तो आपको XUV700 लेनी चाहिए या फिर इनोवा हाईक्रॉस लेनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले कंपेयर करते हैं हम इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इनोवा हाईक्रॉस XUV700 से लेंथ में, व्हील बेस और हाइट इन तीनों ही डायमेंशंस में XUV700 से काफी बड़ी है, पर XUV700 इनोवा हाईक्रॉस से थोड़ी ज्यादा वाइड है। पर ओवरऑल अगर हम डायमेंशंस को देखें तो इनोवा हाईक्रॉस एक बड़ी गाड़ी है कंपेयर टू XUV700, जिसके मदद से आपको इसके कैबिन में काफी बढ़िया स्पेस मिलेगी और काफी कंफर्टेबली आप इनोवा हाईक्रॉस में लॉन्ग ट्रिप्स कर सकते हो। अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन स्पेक्स को। इनोवा हाईक्रॉस में आपको दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं, 2 लीटर का नॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 174 bhp एंड 205 Nm का टॉर्क। वहीं पे इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 2 लीटर का पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है 186 bhp की पावर और 188 Nm का टॉर्क। इन दो इंजन ऑप्शंस के अलावा इनोवा हाईक्रॉस में आपको डीजल इंजन नहीं मिलता। अगर बात करेंगे XUV700 की तो इसमें आपको डीजल और उसी के साथ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है। पेट्रोल में आपको 2 लीटर का एमस्टालियन पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 197 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करेंगे XUV700 में मिलने वाले डीजल इंजन की, तो बेस वेरिएंट्स के लिए इसके इंजन को डीट्यून कराया गया है जो कि बेस वेरिएंट्स में पावर प्रोड्यूस करता है 152 bhp की और 360 Nm का टॉर्क बेस वेरिएंट्स में प्रोड्यूस करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं XUV700 के टॉप वेरिएंट्स में इस डीजल इंजन की पावर, तो टॉप वेरिएंट्स में 182 bhp की पावर और 420 Nm का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन में और 450 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में XUV700 का डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है। तो इनोवा हाईक्रॉस में तो डीजल इंजन नहीं मिलता, पर अगर हम इनोवा हाईक्रॉस के पेट्रोल इंजन को XUV700 के पेट्रोल इंजन के साथ कंपेयर करते हैं तो XUV700 का पेट्रोल इंजन काफी ज्यादा पावरफुल टॉर्की है इनोवा हाईक्रॉस के इंजन से। अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर लुक्स और एक्सटीरियर कॉमन फीचर्स को। तो दोनों ही गाड़ियां एक्सटीरियर से काफी अच्छी लगती है। दोनों गाड़ियों में आपको कुछ कॉमन फीचर्स मिलते हैं जैसे कि एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी फॉग लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग कैमरा, 18 inches अलॉय व्हील्स, ऑटो ORVM विद कैमरा, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर डिफॉगर, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड रियर पार्किंग कैमरा। ये फीचर्स आपको इन दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं, पर इनोवा हाईक्रॉस में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं जो कि XUV700 में मिसिंग है। XUV700 में आपको स्मार्ट डोर हैंडल्स मिलते हैं, वहीं पे इनोवा की हाईक्रॉस में आपको नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं। इनोवा हाईक्रॉस में आपको पावर्ड टेलगेट मिलता है, वहीं पे XUV700 में आपको पावर्ड टेलगेट नहीं मिलता। अब देख लेते हैं कि इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में आपको कौन से कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ, लेदरेट सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, पावर्ड एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। इनोवा हाईक्रॉस में आपको 8-way पावर्ड एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, XUV700 में आपको सिर्फ 6-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ही मिल पाती है, और दोनों गाड़ियों में आपको मेमोरी सीट का फंक्शन भी मिल जाता है। डुअल जोन एसी, इनोवा हाईक्रॉस में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही साइड के एसी वेंट्स डुअल जोन में मिलते हैं, पर XUV700 में आपको सिर्फ फ्रंट साइड के एसी वेंट्स ही डुअल जोन ऑप्शन के साथ आते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। इनोवा हाईक्रॉस में आपको 10.1 inches की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, वहीं पे XUV700 में आपको 10.2 inches की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। कार कनेक्टेड फीचर्स, इनोवा हाईक्रॉस में आपको 65+ कार कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, वहीं पे XUV700 में आपको 70 कार कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं आपको इन दोनों गाड़ियों में, पर इनोवा हाईक्रॉस में ऐसे कुछ फीचर्स मिलते हैं जो कि XUV700 में नहीं मिलते, जैसे कि फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कैप्टन सीट्स। ये फीचर्स आपको इनोवा हाईक्रॉस में मिल जाते हैं पर XUV700 में नहीं मिलते। अब देख लेते हैं वो फीचर्स जो कि XUV700 में मिलते हैं पर इनोवा की हाईक्रॉस में नहीं मिलते। 10.2 इंचेस की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इनोवा हाईक्रॉस में आपको छोटा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही मिलता है। XUV700 में आपको एलेक्सा बिल्ट इन मिलता है जिसको कमांड देके आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि सनरूफ ओपन या फिर क्लोज कर सकते हो, जो कि इनोवा हाईक्रॉस में मिसिंग है। ये कुछ फीचर्स आपको XUV700 में मिल जाते हैं और इनोवा हाईक्रॉस में नहीं मिल पाते। इनोवा हाईक्रॉस में आपको 9 स्पीकर्स मिलते हैं JBL के, वहीं पे XUV700 में आपको 12 स्पीकर्स मिल जाते हैं सोनी के।
अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। दोनों गाड़ियों में आपको कुछ कॉमन सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लेवल 2 एडास, एबीएस विद ईबीडी, ईएसपी, 4 डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको इन दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। पर इनोवा हाईक्रॉस में आपको 6 एयरबैग्स मिल पाते हैं, वहीं पे एक्सयूवी की 700 में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं। इनोवा हाईक्रॉस में आपको ऑटो होल्ड और हिल स्टार्ट असिस्ट ये फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि एक्सयूवी 700 में मिसिंग है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्रैश टेस्ट की, तो एक्सयूवी 700 का जो लेटेस्ट क्रैश टेस्ट हुआ था, उसमें एक्सयूवी 700 ने 5 out of 5 की बढ़िया क्रैश टेस्ट स्कोर किया था। पर इनोवा हाईक्रॉस तो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई, तो इसका क्रैश टेस्ट भी अभी तक नहीं हुआ है। पर जैसे कि हमें पता होता है कि टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया होती है, तो इनोवा हाईक्रॉस भी काफी सेफ गाड़ी है और इनोवा हाईक्रॉस भी काफी अच्छा स्कोर कर सकती है क्रैश टेस्ट में। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, कि अगर आपका भी बजट 26 to 28 lakhs तक का है, तो आपको इनोवा हाईक्रॉस लेनी चाहिए या फिर एक्सयूवी 700 लेनी चाहिए। तो अगर आपकी फैमिली काफी बड़ी है और आप काफी लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, तो आपको 100% इनोवा हाईक्रॉस लेनी चाहिए, क्योंकि इनोवा हाईक्रॉस में आपको काफी बढ़िया कैबिन स्पेस मिल जाता है तीनों ही रो में। और तीनों ही रो में काफी बढ़िया स्पेस होने के बावजूद भी इनोवा हाईक्रॉस में आपको काफी बढ़िया बूट स्पेस मिल जाती है, जिसमें आप अपना बहुत सारा सामान कैरी करके ले जा सकते हो। मोर देन सफिशियंट पावरफुल इंजन मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया माइलेज देता है, तो ऐसे में आपको इनोवा हाईक्रॉस लेनी चाहिए। और अगर बात करेंगे एक्सयूवी 700 किसे लेनी चाहिए, तो जिन लोगों की फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं है, एक हाथ बार वो लॉन्ग ट्रिप कर लेते हैं, जो लोग ऐसे फीचर्स के शौकीन हैं, जिनको एक पावरफुल गाड़ी चाहिए जो कि अच्छा खासा माइलेज भी दे दे और किसी हल्की फुल्की जगह पे अगर फंस भी जाए तो इजीली निकल जाए, तो ऐसे में आपको एक्सयूवी 700 ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मिल जाता है, इनोवा हाईक्रॉस से ज्यादा एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, पावरफुल इंजन मिल जाते हैं, तो ऐसे में आपको एक्सयूवी 700 लेनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी फैमिली काफी बड़ी है, उसमें आप काफी लॉन्ग ट्रिप्स करना चाहते हो, तो 100% आपको इनोवा हाईक्रॉस लेनी चाहिए, क्योंकि आपको काफी अच्छी कैबिन स्पेस, काफी कंफर्टेबल जर्नी इनोवा हाईक्रॉस के साथ मिलेगी। वहीं पे अगर आपकी फैमिली छोटी है और एक हाथ बार ही अगर आप लॉन्ग ट्रिप करते हो, 7 सीटर का यूज करना चाहते हो और हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हो, तो ऐसे में आपके लिए एक्सयूवी 700 काफी बेहतरीन ऑप्शन है इनोवा हाईक्रॉस से। तो बस इतना ही था आज की इस कंपैरिजन वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।